वहीं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके चलते जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला उपायुक्त आरएस वर्मा ने जिले के विकास भवन में तमाम अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें चुनाव से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण दिया। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता एक या दो दिन में लग जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जिला प्रशासन ने चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सही ढंग से कराने के लिए कमर कस ली है। इसी के चलते जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला उपायुक्त आरएस वर्मा ने जिले के विकास भवन में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ली और चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया। इस दौरान जिला निर्वाचन एवं उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव में जिम्मेदारी संभालने वाले तमाम अधिकारियों की बैठक के साथ उनको प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगेगी, उन अधिकारियों को चुनाव संबंधी नवीनतम जानकारी और तकनीकी की गहनता से जानकारी दी गई। जैसा कि सभी को विदित है कि हमारा विधानसभा का अगला चुनाव एक या दो दिन में डिक्लेयर होने वाला है और चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों को लेकर के एक ये रिव्यू बैठक और इसके साथ साथ जिन अधिकारियों की ड्यूटी हमारे वेरियस टीमों में लगाई जानी है, जिसमें हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और सीविजिल, एफएसटी, एसएसटी, वीडियो व्यूविंग टीम, एक्सपेंडिचर टीम, तो इनको एक छोटा ट्रेनिंग का कैप्सूल हमने आज दिया है, इनको आगाह किया है, इनको इलेक्शन के लिए तैयार करने के लिए सभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो उपलब्ध करवाने के लिए ये पिछले 3 घंटे से इनको एक ट्रेनिंग करवाई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रोहतक में जिला उपायुक्त कार्यालय और निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसमें कि तमाम जिले के अधिकारी जुड़े हैं और जिस पर चुनाव संबंधी तमाम जानकारियां उपलब्ध रहेंगी और 24 घंटे काम करेगा। चुनाव आचार संहिता का सही से पालन हो, इसके लिए जिले के एक नोडल अधिकारी को तैनात किया गया है, जिसके तहत कई टीमें गठित की गई हैं। चुनाव के प्राथमिक तौर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सभी बूथों का भौतिक निरीक्षण किया गया है और सभी आवश्यक मशीनरी तैयार कर ली गई है। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इंतजाम भी कर दिया गया है। इन मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग कर संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर पूरे विधानसभा क्षेत्रों में प्रक्रिया को सुनिश्चित कर दिया गया है। हाँ, हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी कम उपायुक्त के कार्यालय में 24 घंटे चलने वाला, छुट्टी के दिन भी चलने वाला, पूरे इलेक्शन कंप्लीट होने तक ये हमारा जो कंट्रोल रूम है, नियंत्रण कक्ष, वो काम करेगा। हमारा जो DDPO का ऑफिस है, उनका ऑफिस का जो टेलीफोन नंबर है, इस नंबर पे ये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। हरियाणा में जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत की तैयारी में जुटी हुई हैं, वहीं चुनाव आयोग भी प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे जी जान से जुटा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की।